तो दोस्तों, अगर आप एक वेंडर हैं, आप अगर एक वेंडिंग करते हैं, चाहे वो कूलर हो, फर्राटा हो, मदानी हो, 1 HP, 2 HP, आधा HP का मोटर है, किसी प्रकार का मोटर हो, अगर आप उसकी वेंडिंग करते हैं कॉपर एल्युमिनियम में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको पड़ती है इंसुलेटर निकालने में, आपको टाइम लगता है। कॉपर का क्या होता है दोस्तों, कि कॉपर की जो वेंडिंग रहती है, जो वायर रहते हैं, उसको आप जला के उसका इंसुलेटर निकाल लेते हैं। लेकिन एल्युमिनियम में क्या होता है कि अगर आप एल्युमिनियम वायर को जलाते हैं, तो ये रहता है कि तार हमारे टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर एल्युमिनियम वायर अगर ज़्यादा तेज़ जल गया, तो ये तार टूटने की संभावना हमारी ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, कि अगर हम कैंची वगैरह से अगर हम साफ़ करते हैं, तो साफ़ तो हो जाता है, लेकिन वायर कभी कभी क्या होता है, टूट जाता है। और दोस्तों, अगर हम किसी ब्लेड वगैरह से साफ़ करते हैं, तो भी हमारा क्या होता है कि वायर टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। और दोस्तों, जो हमारे मोटर वायर होते हैं, जो मोटा वायर होता है हमारा, जैसे 18 नंबर, 19 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, और जैसे 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, ये जो वायर्स होते हैं, ये जो माचिस वगैरह से नहीं जल्दी जलता है, उसको तो भट्टी में जला के उसका इंसुलेटर निकालना पड़ता है। लेकिन उसी को देखते हुए दोस्तों, जो ढोलका इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने एक ईसोल केमिकल बनाया है, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। यानी मिनटों का काम आपका, जो ज़्यादा वक्त लगता था, वो काम बहुत ही कम समय में आपका हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, ये कंपनी ने निकाला है, ढोलका इंडस्ट्री ने, ईसोल। दोस्तों, ये केमिकल है, काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है, और काफ़ी आपको इसको ध्यानपूर्वक रख के आपको इसको यूज़ करना है। तो ये ईसोल है, और इसको अगर आप मंगवाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे कंपनी का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कि ये काम कैसे करता है, तो भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सेफ्टी, आप कुछ हाथ में कोई चीज़ लगा ले, दस्ताना वगैरह, मेरे पास अभी इस वक्त था नहीं, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपको ऐसे ही आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो आप एक काम क्या करिए, कि इसमें थोड़ा सा ये केमिकल जो है, ये निकाल लीजिए, इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, और आपको सारे वायर इकट्ठा कर लेने हैं, और इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसमें डुबो देना है। दोस्तों, अगर आपके हाथों वगैरह में लग जाते हैं, तो चुनचुनाहट थोड़ा सा हल्का होगा, और चुनचुनाहट अगर होता है, तो आप किसी पानी वगैरह से साफ कर सकते हैं। तो अभी एक में हमने लगा दिया है, अब दूसरे में हम लगाते हैं, और फिर दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। तो इसको हमने यहाँ पे इसको डुबो दिया, जितने भी वायर हमें छीलने थे उसको सारे इकट्ठा करके हमने वायर्स को छील लिया और डुबो दिया है। और इसके बाद तीसरा भी हम लगा देते हैं, तो ये एक एक करके हमारे पास 5 है, तो एक एक करके हम इसको डुबा देते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी बेटर है, अभी हम आपको मोटा वायर्स भी इसमें लगा के दिखाते हैं, कि किस तरह से मोटा वायर हमारा जो होता है, वो किस तरह से होता है, काम करता है इससे। तो ये हमने इसको हमने लगा दिया सारे जॉइंट जहाँ जहाँ तक हमें छीलना था। अब इसको कम से कम 2-4-5 मिनट हमें इसको ऐसे छोड़ देना है, और उसके बाद इसका रिजल्ट आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास मोटा वायर्स है, जो कि ये लगभग 19 से 20 नंबर है, और इसको आपको पता ही है कि इसको माचिस काफ़ी टाइम लगता है इसका इंसुलेटर साफ़ करने में, और अगर इसको जलाना होता तो भट्टी वगैरह में जलाते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, इसको हमने इसको हम डुबो लेते हैं इसमें, इसको हमने डुबो लिया, अभी इसको कुछ देर छोड़ देंगे, और फिर देखते हैं कि हमारा कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम आपको साफ करके दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अभी इसको वायर को हम खोल लेते हैं, और ये कपड़े से कपड़ा लेना होगा, और कपड़े से आपको एक एक वायर पकड़ के और आपको साफ कर लेना है। आप एक एक कपड़ा लेके साफ करिए, या फिर साथ सब इकट्ठे ही साफ कर लीजिए, और देखने को आपको मिल रहा होगा कितने, मतलब आसानी से ही हमारा जो इंसुलेटर है साफ हो रहा है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं कि हमारे कपड़े में कैसे आ गया है। तो देख सकते हैं कि हमारे वायर किस तरह से साफ़ हो गए हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमें सारे साफ कर लेने हैं।
देखिए कैसे साफ हो गया है। दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका वायर जो होता है वो जल्दी टूटता नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन दोस्तों ये जब आप यूज़ करें तो इसको सेफ्टी के साथ यूज़ करें और हाथ में ग्लव्स वगैरह लगा लें फिर इसको यूज़ करें, क्योंकि ये बॉडी में अगर कहीं लग जाता है थोड़ा सा चुनचुनाहट ज़रूर होता है, लगता है। वैसे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन ये लगता ज़रूर है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आप इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कोई चश्मा वगैरह लगा लें और हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह पकड़ पहन लें, उसके बाद इसको आप यूज़ करें। अभी हम जो ये लगाया था, देखते हैं 19 नंबर वायर को जो हमने लगाया था, इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको खोल लेते हैं और इसको साफ करते हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं कितने मतलब अच्छे तरीके से हमारा ये साफ़ हो गया। तो दोस्तों अगर आपको इसको ऑर्डर करना है तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं और आपका काम भी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।